हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर रिलेटेड एज नंबर 1 बोथ इन द सेम डायरेक्शन, नंबर 2 परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नंबर 3 बोथ इन द अपोजिट डायरेक्शन, नंबर 4 नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो सर्कुलर मोशन में, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसमें होगा केवल एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और ये होगा वेलोसिटी वेक्टर। यानी अगर आप पॉइंट ए पर हैं और पॉइंट बी पर हैं तो ऑब्वियसली सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड हियर, और ये वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का हमेशा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, ये बात गलत है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर बिल्कुल सही है, बोथ इन अपोजिट डायरेक्शन गलत है, नॉट रिलेटेड टू ईच अदर भी गलत है। तो हमारा सही आंसर है 2। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।